तो बड़ी खबर यूपी से है, जहां यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद अब कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि सपा नेता रामगोपाल यादव का ट्वीट भी सामने आया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आए, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। सपा नेता रामगोपाल यादव का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने पर ट्वीट किया है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो सपा सांसद रामगोपाल यादव का ट्वीट भी सामने आया है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया। उत्तर प्रदेश की 100% आबादी के आरक्षण में वंचित किया गया है, तो ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले हैं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो अब ओबीसी आरक्षण के बाद आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी आने लगी है। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के बाद आपको बता दें कि कई जो नेता है उनकी तरफ से अब इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका मिला है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल यानी सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं, यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए।